माताएं जल्दी भावुक हो जाती हैं, पुरुष लोग अपने भाव को रोक लेते हैं, बुद्धि से ज्ञान से आंखों में छलकने नहीं देते, और माता लोग तुरंत निकाल देती है। एक जैसे ऊपर चढ़ेगा दूसरा टांग पकड़ के लटक जाएगा। इसलिए प्रेम हो तो जब सब सौंपने का मन हो जाए तो सोचना कि प्रेम हो गया। हाँ, अब आपाधापी है, दिमाग बहुत है कि उससे हमको कितना मिलने वाला है और इससे उसको कितना, ये प्रेम थोड़ी है, ये प्रेम नहीं, सौदेबाजी है। इस धरती पे कोई कितना भी भौतिक रूप से संपन्न हो जाए, जीवन में कोई ना कोई दुख रहता ही। यदि तकलीफ हो तो किसी को मत बताइए, उसकी शिकायत वो करेगा, उसकी शिकायत वो करेगा, उसकी टांग वो खींचेगा। तो मिलजुल के रहना, अपनी शक्ति बढ़ा के रखना। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एक है तो ताकत है, नहीं तो मारे जाएंगे। ये राह नहीं है, फूलों की कांटे ही इस पे मिलते हैं, ले दर्द जमाने का दिल में बस हिम्मत वाले चलते हैं। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। प्रेम बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, सांसारिक आकर्षणों में उठने वाली तरंग प्रेम नहीं, आशक्ति है। इसलिए प्रेम हो तो जब सब सौंपने का मन हो जाए तो सोचना कि प्रेम हो गया। हाँ, अब आपाधापी है, दिमाग बहुत है कि उससे हमको कितना मिलने वाला है और इससे उसको कितना, ये प्रेम थोड़ी है, ये प्रेम नहीं, सौदेबाजी है। और सौदेबाजी में प्रेम नहीं। ब्रह्मा जी ने समझाया, सब मिल के नारायण से प्रार्थना करो कि जल्दी अवतार ले। सुन विनंची मन हर सतन फूल की नयन बहनी अस्तुति कर ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए कि हम भी स्तुति करें, प्रभु जल्दी प्रकट हो जाओ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर लागी विरागी अति अनुरा
जगत मोह मुनि वृंदा निशिवासन ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंद जी शिव पाई त्रिविध मनाई संग सहायन दूजा सो करऊं अघारी चिंता हमारी जानी अभगति न पूजा जो भय भंजन मुनि मनरंजन भंजन विपति बरूथा मन शरण सकल सुर जूता शारद श्रुति श्रेषा ऋषय श्रेषा जागो को नहीं जाना जे दीन प्यारे सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता प्रणत पाल देवताओं की विनती सुनकर एक आकाशवाणी हुई, हे देवताओं आप निराश ना हो, मैं शीघ्र ही जल्दी ही अवतार लेने वाला हूं। आप अपने अंश सहित धरती पे बानर भालू गिद्ध की लहरी बनकर आप सब पहुंच जाए। अब कथा अयोध्या हम लोग पहुंचते हैं। अवधपुरी रघु कुल मनिहाउ अवधपुरी रघु कुल मनिहाउ बोली राजा रामचंद्र भगवान की।
अवधपुरी रघुकुल मणिराव। अयोध्या के राजा राम जी थे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, परम धर्म को मानने वाले गुणी और ज्ञानी थे। इस धरती पे कोई कितना भी भौतिक रूप से संपन्न हो जाए, जीवन में कोई ना कोई दुख रहता ही, सबके जीवन में कोई ना कोई कमी रहती। या तो सिद्ध हो जाए, बड़ा साधु हो जाए, ज्ञानी हो जाए, नहीं तो सबके जीवन में रहेगा। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उनके मन में भी एक दुख है। तो ज्ञानी है तो मन के भाव को रोक लेते हैं। कई बार माताएं जल्दी भावुक हो जाती है, पुरुष लोग अपने भाव को रोक लेते हैं, बुद्धि से ज्ञान से आंखों में छलकने नहीं देते, और माता लोग तुरंत निकाल देती है। तो राजा दशरथ इतने बड़े ज्ञानी, भाव तो आता था, चौथापन आ गया, एक भी पुत्र नहीं, अयोध्या का राज्य कौन चलाएगा। लेकिन एक दिन भावना ज्ञान पे भारी पड़ गई, ज्ञान को दबा दिया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति राजा के मन में ग्लानी हुई, ज्ञान के ऊपर भावना भारी पड़ गई, मन बहुत दुखी हुआ, चौथापन आ गया, अभी तक कोई पुत्र नहीं है, ये दर्द ये पीड़ा ये दुख किसको बताए। कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुनी ढिली है लोग सब बांट न लई कोई। यदि तकलीफ हो तो किसी को मत बताइए, तो कहां बताए। तो संत जन सुनाते हैं, आ गुजराती में छे कि दर्द मां गाए बिना रोया करो, दर्द मां गाए बिना रोया करो, जीवन मां जाता है जोया करो।
दर्द हो तो किसी को मत सुनाइए, भगवान के सामने आके रो लो या अपने गुरु के सामने आके रो लो, गुरु से ही सुनाओ, इधर उधर मत गाइए। तो राजा दशरथ ने क्या किया, किसी से नहीं बताया, सीधे गुरु दी, गुरु गृह गयो तुरंत महीपाला, अपने गुरु के पास तुरंत गए और चरण लाग करी विनय विशाला कि मेरी ये विपत्ति है गुरुदेव क्या करें। बोले धर हूं धीर हो यही सुतचारी, धीरज धरो चार पुत्र होंगे। बोले एक ही हो जाए थोड़ा अच्छा हो, है? चार लेके क्या करेंगे। तो बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों जगत में विश्व विख्यात चारों होंगे। यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ, दो रानियों को खीर दिया और दोनों ने आधा आधा एक को दे दिया, चार पुत्र हुए। यज्ञ की महिमा अपार है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमारे अपने हैं, नारायण है, लेकिन जो भगवान भी प्रकट करा दे वो यज्ञ नारायण है। यज्ञ नारायण से भगवान प्रकट होते हैं, तो इसकी महिमा बहुत अपार है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, दो दो लाइन समझ लेना। फिलॉसफी ऑफ यज्ञ, दान देव पूजन संगतीकरण, जब हम डिविनिटी को जीवन में धारण करते एक्सपीरियंस में, तो देवताओं का पूजन हुआ। केवल फूल पत्ती चढ़ाना ये भी जरूरी है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो देवत्व अंदर आए, देवता भीतर जागे, तो ये यज्ञ है। मिलजुल के रहना संगतीकरण यज्ञ है, नहीं हम सब एक हैं, सारी कम्युनिटी एक है, नहीं है एक, उसकी शिकायत वो करेगा, उसकी शिकायत वो करेगा, उसकी टांग वो खींचेगा, हाँ पिछले साल लफड़ा हो रहा था उधर है, गीता बहन को पता है, ये सब अपने ही लोग हैं, तो मिलजुल के रहना यज्ञ है। एक बार ब्रह्मा जी के पास गया असुर राक्षस गया, बोला आप हमेशा साथ देते हैं देवता लोगों का, हम लोगों का नहीं देते। बोले जो यज्ञ करता उसका देते हैं, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। बोले हम भी यज्ञ करते हैं, तो परीक्षा ले लो। भोजन के लिए बुलाया, तो बिठाया आमने सामने असुर लोगों को, और ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ दिया हाथ सीधा, अब मुड़ता ही नहीं, जिलेबी रसगुल्ला पूरा रख दिया, बोले अब खाओ, अब हाथ जाता ही नहीं, सब इधर उधर फेंक दी, खत्म हो गया। अब देवताओं की बारी आई, उनको भी वैसा ही कर दिया, उन्होंने कहा यज्ञ करो, इधर वाले से इधर के मुंह में, इधर वाले से इधर क्यों, एक दूसरे की मदद करना यज्ञ है। अभी आदमी की स्थिति हो गई है केकड़ा, केकड़ा जानते केकड़ा, एक गांव का आदमी मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो मछली नहीं आती थी तो केकड़ा आता था, तो टोकरी में रख देता था। शहर से एक आदमी गया जिसने केकड़े के नेचर को पता नहीं था, तो बोला मछुआरा भाई केकड़ा रख दे रहे हो, ये सब भाग जाएंगे। बोले एक भी नहीं भागेगा। बोले क्यों, एक जैसे ऊपर चढ़ेगा दूसरा टांग पकड़ के लटक जाएगा। तो इधर लंदन में लेस्टर में अभी तो इलेक्शन का टाइम है, सभी आ रहे हैं, डेली कोई ना कोई तो आ ही रहा है, जितने एमपी खड़े हो रहे हैं सब आते मिलने, और उसमें देखो तो सब अपने ही आदमी हैं। लफड़ा ये भी है कि जितने हैं सब अपने हैं, अब किसकी टांग कौन खींचेगा कोई भरोसा नहीं, हाँ केकड़े कौन खींचने वाला है किसका कोई भरोसा नहीं भाई। तो मिलजुल के रहना, अपनी शक्ति बढ़ा के रखना, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एक है तो ताकत है, नहीं तो मारे जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, ईर्ष्या द्वेष में अपने का ही टांग खींचते रहेंगे तो फंसेंगे। इसलिए थोड़ा अपना स्वार्थ कम कर लो, अपने भाई अपने मित्र को चढ़ने दो, हाँ ये यज्ञ है, दान भी यज्ञ है। तो पैसा देने को दान समझते हैं, नेत्र दान, रक्त दान, समय दान, ज्ञान दान, साधु जीवन दान करता है। कोई जीवन दान दे सकता है, नहीं दे सकता, साधु देता है भाई, अपने लिए नहीं जी रहा तो जीवन दान ही है। लोग बोले इतने बीमार हॉस्पिटल में थे आने की जरूरत क्या थी, नहीं अभी पत्नी बच्चे होते तो लड़ाई कर लेते, नहीं जाना है,
और फकीर आदमी है, चलो भाई जीवन तो दान है। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पे मिलते हैं, ले दर्द जमाने का दिल में बस हिम्मत वाले चलते हैं। वृक्ष अपने लिए फल नहीं देता, नदी अपने लिए पानी नहीं देती है, और साधु अपने लिए नहीं जीता। ये यज्ञ है, और यज्ञ तीन तरह की आत्मा, दो लाइन में ही समझ लेना, देव आत्मा, दुष्ट आत्मा, मध्यम आत्मा। छोटी मोटी डिजायर्स हो, इच्छाएं हो, तो तुरंत जन्म हो जाता है, लेकिन दुष्ट आत्मा का जन्म जल्दी नहीं होता। तो जो खाली घूमते हैं, क्या कर रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच जिन पिशाच यही सब उनको कहा जाता है, और जो देवता उनको भी जन्म लेने में बहुत टाइम लगता है, उन्हीं को हम देवता और पितर कहते हैं। तो उनको भोजन कराना यज्ञ है। द्विज भोजन मखहोम सराधा, भी कहा ना रावण ने कि देवताओं पितरों को भोजन कराना यज्ञ और श्राद्ध तर्पण है। तो अभी तो ये इंग्लैंड है, अगर भारत होता तो दूसरे तरह से हम बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर समझ लो कि धरती तो अपनी है, धरती तो अपनी है, भले इंग्लैंड है। सप्तदीपा वसुंधरा, पूरी वसुधा हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा परिवार पूरा विश्व है, पूरी धरती हमारा परिवार है। जहां रहें मिलजुल के रहें, जहां रहें अपने चरित्र और आचरण से लोगों को प्रेरणा दे, जिस देश में रहें उस देश के लिए जिए, और यहां रह के भी अपने देश के लिए भी जिए, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं होंगे। चलो एक भजन है वो सुना देते हैं, जिंदगी हवन। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। गया मनुष्य तन ज्ञान ज्योति मिल गई, मिल गया मनुष्य तन ज्ञान ज्योति मिल गई, किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई, किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई। मूल को रहा मनुष्य, मूल को रहा मनुष्य, आज ब्याज के लिए जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। लुट रही है जिंदगी, लुट रहा है आदमी, लुट रही है जिंदगी, लुट रही है जिंदगी,
लुट रहा है आदमी, घुप नहीं है चेतना सिमट रहा है आदमी, दब रही है चेतना सिमट रहा है आदमी। बन सुधा संजीवनी चलो इलाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। रूढ़ी में सड़े नहीं कुरीतियां गढ़े नहीं, रूढ़ी में सड़े नहीं कुरीतियां गढ़े नहीं, बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं, बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं। चलो चले करे प्रयाण, चलो चले करे प्रयाण, राम राज के लिए जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए। बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए, चलो समाज के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। मुहूर्त आ गया भगवान के जन्म का, चलो भाई। जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरण वचन सजुत राम जन्म सुखमूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि, इतने हो तो ग्रह की गणना होती है, सब राम जी के जन्म के अनुकूल हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुकल विजित हरि प्रीता, शुकल विजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधु मध्य दिवस आदि शीतल लोक भी सामा।
चैत्र मास नौमी तिथि मंगलवार भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान प्रकट हुए। अहिल्या जी के भवन में भगवान प्रकट हुए, देख के वो दंग रह गई कि मैंने तो बालक मांगा था, ये तो साक्षात शंख चक्र गदा पद्म लेके आ गए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन विरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला सिंधु करारी, कबूली कर जोरी अस्तुति तोरी, विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी मय प्रगट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम सुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय, कई कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यरूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूरे नगर में ये खबर पहुंच गई, यहाँ भगवान से विनती किया कौशल्या जी ने कि शिशु लीला कीजिए, भगवान बालक हो गए, रोने लगे, रोने की आवाज जैसे बाहर गई तो पेड़ा मिठाई तो पहले से बन के तैयार था, बटने लगी, बधाई होने लगी, लोग नाचने गाने लगे,
एक ही आवाज आती है सब जग से, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनि सुषुरुदन परम प्रिय वाणी, संभम चली आई सब रानी। पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मान हो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने सुना कि पुत्र प्राप्ति हुई है, जैसे साधु को योगी को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा आनंद दशरथ जी को हुआ। प्रकट भये चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगट मैं है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। नाम धरे है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। नाम धरे है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे। शंकर शंकर नाचे तथा भैया, अवध में बाजे बधैया। शंकर नाचे तथा भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगट हुए हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट हुए हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी। माखन धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया।
गया दधी माखन धेनु गैया अवध में आजे बधैया हाथी लुटावे राजा घोड़ा लुटावे 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 राजा घोड़ा लुटावे मैया राजा मैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया मैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगट भए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट भए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जय जय श्री राम लला औध के दुलारे जय जय श्री राम लला औध के दुलारे अवध के दुलारे कौसल्या जी के प्यारे अवध के दुलारे कौसल्या जी के प्यारे जय जय श्री राम लला औध के दुलारे जय जय श्री राम लला औध के दुलारे अवध के दुलारे कौसल्या जी के प्यारे अवध के दुलारे कौसल्या जी